अम्बेडकर का नाम वही लेगा जो घर में सत बेटा बेटी के शादी में सत्यनारायण झूठनारायण कथा न कहा। प्योर अम्बेडकर वादी मार्क्सवादी पदार्थवादी अगर बनना चाहते हैं तो सब हनुमानी तबीज दुर्गा का तबीज बाल बच्चों के देह पर उतारिए, टीक रखना छोड़िए। जो हाथ में बौद्धि बांधता हो विज्ञान का बात करेगा, जो अंठी शनिचरा ग्रह शुक्र ग्रह हनुमान जी तबीज पहनता हो वो पदार्थवाद का बात करेगा, डायबिटिक्स का बात करेगा, द्वंद्ववाद का बात करेगा। साथियों, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो फोकस देंगे व्यवहारिक तौर से आप समझें, एक दर्शन है कि बिल्ली काली हो या उजली इसकी कोई अहमियत नहीं, अहमियत तो इस बात में है कि वो चूहा पकड़ती है कि नहीं। अगर आप अम्बेडकर वादी बनना चाहते हैं, अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो आपको करेजा पर हाथ धा करके सोचना होगा, समझना होगा, हंसना गाल उलाना एक साथ, नहाना खाना एक साथ नहीं होगा। अम्बेडकर का नाम वही लेगा जो घर में सत बेटा बेटी के शादी में सत्यनारायण झूठनारायण कथा न कहा। अम्बेडकर का नाम, काल मार्क्स का नाम, बुद्ध का नाम, जगदेव और पूरी ललई सिंह यादव का नाम, वही पैरियार ज्योतिबा फुले का नाम लेगा तो मरने के बाद हाथ छिलवाना और पिंडदान करेगा उस वो आदमी अम्बेडकर का नाम लेगा उस पर ठनका गिर जाना ही बेहतर है। अम्बेडकर का नाम लेता है एकदम प्योर बन के रखो। मैं कहता चाहता हूं कि प्रशिक्षित बंदर के हाथ में मोटर गाड़ी देना खतरे से निरापद है। कोई बंदर अगर 5 बार एमए पीएचडी कर जाए वो करिए कि है गड़िया मरुदिया के लेने चल रहे साहेब को पहुंचा वो रास्ते में पहुंचा था। अगर ये प्रधान ये राष्ट्रपति अगर किसी को पुरस्कृत करता है तभी तो कोई सब राष्ट्रपति बारा जो अपन न्याय अपन इंसाफ नहीं कर सकता है तो दूसरे को क्या इंसाफ और न्याय देगा। जब संपूर्णानंद के मंदिर में केहुना के मार खा करके चलाया ओटा पर पूजा करने क्या न्याय उसके। मैं पूछता हूँ कि जगदेव बाबू ने भारत का पहला अम्बेडकर वादी पर्सनालिटी उन्होंने कहा था ब्राह्मणवाद का करो सफाया अम्बेडकर ने यही बताया भाग भगवान झूठा है इसी बहाने लूटा है, जाति पाति झूठा है इसी बहाने लूटा है। ये सब लफाजी है धर्म भीरुओं का, धर्म के ठेकेदारों का जो हिंदू मुस्लिम का ट्रेड चला रहे हैं उनका रोजी रोटी चल रहा है इसका धर्म का धंधा। एक अर्जक सिंह का किताब है उसको पढ़े। और जगदेव बाबू कहे थे कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान साफ कपड़ा साफ निशान, जो हाथ में बौद्धि बांधता हो विज्ञान का बात करेगा, जो अंठी शनिचरा ग्रह शुक्र ग्रह हनुमान जी तबीज पहनता हो वो पदार्थवाद का बात करेगा, डायबिटिक्स का बात करेगा, द्वंद्ववाद का बात करेगा, कभी संभव नहीं। हाथ में बौद्धि हनुमान का तबीज गुरुकुआचना टीकी सब क्या है ब्राह्मणवाद का पोसुआ पन का चिन्ह से, जैसे कोई कुत्ता के गर्दन में चमौटी पोसुआ कुत्ता के घड़वैया बना देता है बांध देता है। अगर ओरिजिनल कुत्ता पोसुआ कुत्ता अमेरिका कुत्ता लड़ेगा हम लोग का मीटिंग में कोई बाधा अगर पहुंचा रहा है तो कहेंगे हमारे कुत्ता के बुलाता तो कोई जाएगा नौजवान कुत्ता को मारने तो कहेंगे और अमेरिका का मरिए पोसुआ वाला चमौटी वाला ना मरिए ना तुम झगड़ा करते तो ये हाथ में बद्धि बांधते हैं इसका मतलब है कि ब्राह्मणवाद का पोसुआ है चमौटीधारी है। इस विषय को समझना होगा। अरे बद्धि हनुमान, अरे हमारे यहाँ ये जो ये पत्थर गिरा है कल परसों तो हमारे एक तेली नौजवान है जो हमारे मदन बाबू के संबंधी है हमारा भतीजा गांव का लगेगा प्रभु जी पत्थर गिर रहा था आधा आधा किलो के एक एक गिरता था चचा तोरो बगल गिरे था फोन किया तो मैं कहा कि अरे हमारा बगल काहे लग गिरेगा जानता नहीं है जो अरुण गुप्ता के घर पड़ी किस देवता के पास उतना ग्रेविटी ताकत है कि हमारे घर पर पत्थर फेंक दे जबकि 35 को पत्थर हमारे बेहतर को बोल दिए उसको कहे अरे तो तुम मानते हो ब्राह्मणवाद को देवी देवता 56 करोड़ देवता को मानते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो तुम्हारे घर पर न गिरेगा। हमको तो सब घोषित किए हुए हैं कि देवता उवता को मानते नहीं है धर्म धर्म होता नहीं है एक एक धरती धर्म भूमि नहीं है कर्म भूमि है कर्म से इस धरती को सजाने का काम मानव किया है और ये कर्म
हीरू लोग बना दिए गए, यहाँ के सारे पैकवार नपुंसक बन गए। सत को सत के रूप में समझना ही ज्ञान, इनमें पीएचडी कर गए ज्ञान। जब ये कभी एक पैसा सिलेट पेंसिल कागज भट्ठा नहीं धरे थे, प्रधान विद्वान ज्ञानी और पीएचडी कर जाए, ज्ञान नहीं हो तो बुझे कि वो चरगोड़ा है। अरे ज्ञान विद्या से ज्यादा वजन है ज्ञान का। ज्ञान क्या आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन, जेम्स वाट, कोई जेम्स वाट का भाप का इंजन बनाया, कोई इंजीनियर इंजीनियरिंग का डिग्री था उसको, क्या वो हर डिग्री। जब माँ के साथ बागीचा में न्यूटन गया था पत्ता चुनने से, ऊपर से नीचा फल ऊपर से नीचा गिरते समय उसने माँ कह रही है कि न्यूटन उठाओ फल उठाओ नहीं तो दूसरा ले लेगा, तो नहीं नहीं ऊपर से नीचे क्या है, ऊपर क्यों नहीं किया, ये तो आप सभी जानते हैं। और इसके बाद भी हम ज्ञान का दावा करते हैं, विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, कोई लेकिन किंतु नहीं। हम बौद्धिक किस हैसियत से बांध लिए, अगर बौद्धिक बांधने का होता तो जिस तरह से माँ के पेट से हम नाक कान आंख लेके आए हैं, उस तरह से वो चमौटी का ईश्वर चमड़ा का बौद्धि लेके आ जाते, क्या फर्क पड़ता है। ये सब सनिचरा ग्रह के खेल में पड़े हुए लोग हैं। मैं ये हमारे साथी हैं, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जयंती है, डीआईजी साहब मेरे साथ मंच पर थे, जब उनकी वो भाषण दे दिए तो मुख बनता में हम तो वहां के लोग बुलाए थे। और उसके बाद जब मैं गया तो मैं स्पीच देना शुरू किया तो डीआईजी थे, बौद्धि बहले थे, और उसके बाद गुरुआ चनन किए थे, मैं उनके ऊपर बरस गया। और उसके बाद वो कहते हैं कि ऑब्जेक्शन क्या है, शाब्दिक अर्थ है, कमेरों का संगठन है, महान नाम है और इसका लिटरेचर है, बहुत लिटरेचर है, उनको एक लिटरेचर देने का है। तो अम्बेडकर के संबंध में वो डीआईजी बहुत बात की है। आज जब उनके यहाँ मैं किताब लेके गया 15 दिन के बाद, तो देखते हैं कि जब वेल मैं उनके घंटी दीवार में था वो बजाया तो ऊपर से नौकर आया और वो शिव का पूजा छत पर कर रहे थे, रंगल हाथ चोर पकड़ा कर दिया, बैठ करके कमल बिछा के वो तुलसी के पेड़ उनके हाथ दिया साहब रखे थे और उसी जगह एक मुट्ठा अगरबत्ती जला करके और वो पूजा पर बैठे थे। आप पत्थर था उस जगह तुलसी के पेड़ पर शिव के मुख कैलेंडर रखे हुए थे। मैं कहा उनके नौकर आया कि क्या बात है, डीआईजी साहब से मिलना तो अभी पूजा पर है, हमको ले चलो कुर्सी ऊपर है तो हाँ उनके छते पर पूजा कर तो कुर्सी लगाओ और ले चलो वहां बैठेंगे पूजा कर लेंगे उसके बाद उनसे बात करेंगे। रंगल हाथ पकड़ा गया वहां पूजा कर रहे हैं, हम दो आदमी बैठे किताब लेकर। जब वो पूजा कर लिए जब उठ करके कम्बल उठाते हैं तो हमको देखते देखते तो उनको 500 घैला पानी पड़ गया दे दिया। अब उसके बाद जब लोग गए भीतर नौकर को बुलाए तो नौकर पर क्या गुजरा होगा तो मैं समझता हूँ, उसका तो छठिहार कर दिए। और उसके बाद वो आया तो मुझे क्या जी तुमको डांट पड़ा है तुम्हें तो चुप चुप पिन ड्रॉप साइड है नहीं बोला। मैं आए दो किताब उनको मैं दिया और चल दिया। उसके बाद मैं जुआ सहनी पार्क में उनका उभवाइनी कर दिया। फिर उसमें उदयनाथ चौधरी बिहार विधानसभा के स्पीकर थे उनको भी कान में मैं भर पर सुना दिया कि डीआईजी है पाखंडी, इसको अम्बेडकर पर बोलने का अधिकार नहीं। फिर इसी तरह से मुखिया जी हैं यहाँ के एक बहुत बड़ा पदाधिकारी जिला का, जहाँ जनरल लोग उसके सामने डट के नहीं बोल सकते हैं, मुखिया जी हैं इनके सामने पदाधिकारी को मैं कहा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा लगाया है, कैलेंडर टांगे हैं, मुखिया जी सत्यदेव जी हैं, तो हाँ मैं लगाया गर्व से कह रहा हूँ। हम कह इस हाथ में तो ये गुलाम का हाथ है, बंधा हुआ हाथ है और आप इस अम्बेडकर के पवित्र सत्यवादी का ये झूठ के इतिहास से इनका पवित्र हाथ से पवित्र फोटो नहीं लगाना चाहिए तो लगे ताक में उसे जनरल लोग नहीं बोल सकता है भरदम, लेकिन उनके औंठी पे नहीं थे तो उनके औंठी पर भी मैं कमेंट किया और चुप। तो कहते हैं कि हम आपसे दो घंटा बात करेंगे, बिल्कुल बात करते उनको कुछ किताब दिया। इस जिला के उच्चतम पदाधिकारी हैं। अब कहने का मतलब है तो हमारे लोग
जो पढ़े लिखे का दावा करते हैं घर में अगर मर जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं है, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन है, तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना इसे पीर पुरुष ही कर सकते हैं। ये गुलाम हिंदू बन के आप गुलाम उसके बने हो जो हिंदू धर्म का ड्राइवर है ब्रह्मा। हिंदू धर्म अब बताइए कि हमारे है बन गए हैं अंबेडकर के कृपा से, ये सब लोग मुखिया बन गए, सरपंच बन गए, सारे के सारे बन जाते हैं विधायक एमपी भूतुआ चरण करते हैं, क्या पाखंड। अरे मुखिया बन गए, एक तो मुखिया बन गए, वो आए हमको प्रसाद देने, अब कहते हैं कि हमको कैसा प्रसाद है, तो गए थे बाबा धाम प्रसाद की जीत जाएंगे तो प्रसाद, जाओ बाबे धाम को खिला देना। जब बाबा धाम हमको जिताया है तो जनता से वोट लिया, हाँ तो क्यों वोट लिया, वो भी जिता देता। इसी तरह से यहाँ के विधायक राम विचार जी गए पूजा करके गरीब स्थान गए, हम कहते हमने वोट न दे गरीबे जी से दे दिया। इस तरह की बात पाखंडी, हम इलाज कराएंगे भगवान पर उठना देंगे, हम अंधविश्वासी बना दिए गए हैं, हम भगवान हनुमान चालीसा पढ़ेंगे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, भूत खिलाएंगे ओझा के यहाँ जाएंगे, क्या सब व्यवस्था है। प्योर अम्बेडकरवादी मार्क्सवादी पदार्थवादी अगर बनना चाहते हैं तो सब हनुमानी तबीज दुर्गा का तबीज बाल बच्चों के देह पर उतारिए, टीक रखना छोड़िए। कहने का मतलब है क्या सत्यनारायण झूठनारायण कथा इवन विधम समर्प्यामी कराते हैं, मरने के बाद पिंडदान कराते हैं, ये सब पाखंडी व्यवस्था। ब्राह्मणवाद चलाओ, ब्राह्मणवाद चलाओ और अम्बेडकरवाद भी चलाओ, चलो खिचड़ी परोसे रहेगा अम्बेडकर, ऐसा नहीं चलेगा। प्योर चलाओ, मार्क्सवादी बनते हो तो मैदान में रणभूमि में मार्क्सवाद लेनिनवाद और बेटा बेटी के साथ में सत्यनारायण झूठनारायण कथा, ये नहीं चलेगा। मार्क्सवाद पदार्थवाद पर आधारित है, अम्बेडकरवाद पदार्थवाद पर आधारित है। बुद्ध ने कहा कि सत्य मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। झूठ के मार्ग पर चल के हम सफल हो जाते हैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई बेहतर बात नहीं है, लेकिन झूठ सत्य के मार्ग पर हार भी जाएंगे तो बुलंदी रहेगा, ज्यादा हार जाता है जो सत्य का तो वकालत किया, सत्य का तो झंडा बुलंद किया, झूठ से जीत गया जीत गया। तो ये स्थिति है अम्बेडकर विशुद्ध पवित्र एक प्लेटफॉर्म है, ये महामानव लोग जो हमारे समाज में आए रैदास कबीर बुद्ध अम्बेडकर कार्ल मार्क्स लेनिन, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म दिए गए। अगर ये प्लेटफॉर्म अम्बेडकर का कबीर का ज्योतिबा फुले पेरियार कर्पूरी का ये प्लेटफॉर्म जगदेव का नहीं होता तो आज हम लोग बैठ करके पढ़ते तो चला जाता कौन दरोगा के पुलिस को कहने की माओवादी से बैठल हो। यही आपको हसर मिलता, आप 5 फीट के आदमी पौना 3 फीट 1 फीट में आ जाते हैं।